आसपास ध्यान रख, जो कोई पाकिस्तान को कपूत बैठो तो कोनी। भारत माता की जयकारा लगाएंगे, बालिकाएं भी ध्यान दें, बुजुर्ग भी ध्यान दें, मंचासीन भी ध्यान दें, आसपास साइड में खड़े वो भी ध्यान दें, और जिनको हाथ ऊंचा नहीं करे जन देख लो पाकिस्तान को। हेलो, पाकिस्तान को आदमी है, दक्कोट एक बार काट दीजिए। हाँ तो रेडी है आप, हबीड़ बोलेगी आप, दोनों हाथ खड़े करके बंद मुट्ठी करके आसपास देख लेना, पाकिस्तान को कोई है कपूत, दक्को देर बार काट जाओ, दक्को देर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। कुछ लोग कहते हैं कुशाल गिर जी ऐसे कैसे संत हैं जो इतना कड़क बोलते हैं। मैं एक बात बताता हूं, बड़े आराम से सुनना आप। सब संत अगर 100 में से 100 राम राम करने वाले हो जाएंगे, तलवार नहीं उठाने वाले हो जाएंगे, तो भारत का इतिहास क्या रहा है। मुझे तो ये एक तस्वीर दी गई थी अभी, इसको ही ऊपर ही कह देता हूं मैं, भगवान परशुराम की। जब इनके साथ में अस्त्र शस्त्र हैं, भगवान श्री राम जब वनवास गए थे तो सारी चीजें उन्होंने छोड़ दी, लेकिन धनुष बाण पास में रखा था। आप देख लें पहले भारत का इतिहास क्या है, इसमें भी अलग अलग क्वालिटी है। क्या दुर्वासा ऋषि का इतिहास नहीं जानते हैं, जो बहुत ही क्रोधित स्वभाव के थे, अति क्रोधी थे। तो इसलिए मैं अपनी बात रखता हूं, आप देखना। श्री मारुति नंदन गौशाला डोराई चित्तौड़गढ़, आज यहां पर भजन संध्या का कार्यक्रम है, और आज तो अब मकर संक्रांति भी लग गई है। अब आप देखना, भजन संध्या के अंदर जाते हैं तो ओम जी का लाइव प्रसारण देख लेना। मेरे अलावा शायद कोई एक दो संत होगा जो कोई क्रांतिकारी प्रवचन देता होगा, बाकी चुपचाप आते हैं और चले जाएंगे। मेरे गुस्सा करने का एक कारण अभी भी देख लें। अभी ओम जी ने एक बात कही थी और मेरे पास सूचना आई है, भगवान श्री कृष्ण के दो रूप देखना आप। जरासंध का जब युद्ध होता है भगवान से, वह भी रूप देख लेना। कंस को भी उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और भगवान श्री राम के भी दो रूप देख लेना। सबरी के हो नवदा व्यक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, तो रावण को भी क्या कहते हैं, नीच निशाचर, ये बात कहते हैं। और मैं क्या कह रहा हूं, अगर उनको भी क्रोध आता है, वे भी अस्त्र शस्त्र रखते हैं, तो भारत वह देश है। मेरे गुस्सा करने का कारण देखना आप, मेरा एक शांत रूप भी देखना। विश्व की सबसे अच्छी गायों की सेवा भगवान ने हमें दी है, हम कर रहे हैं। अगर आप कहीं भी आते हैं नागौर, तो जवई राजा की तरह स्वागत करेंगे। दुनिया में कोई भी गौशाला या संस्था इतना अच्छा सम्मान नहीं करेगी। वे भी हमारा शांत रूप है, लेकिन उग्र रूप। कामधेनु सेना का संस्थापक भी हूं, जब हमारे कामधेनु सैनिकों को आवश्यकता पड़ती है या उनके ऊपर भी कुछ हथियार से हमला होता है, मैं कहता हूं एक छोटे भाई पर अगर कोई हमला करता है, बड़े भाई को गुस्सा नहीं आएगा, पिता को नहीं आएगा, मां को नहीं आएगा। कान खोल करके देख लें, लाइव प्रसारण के माध्यम से संजय भाई ग्राम आरण जिला रायपुर छत्तीसगढ़ कंटेनर से गोवंश कत्ल खाने जा रहा था, और बचाव के दौरान जब उन्होंने गायों की
रक्षार्थ कंटेनर को रुकवाया तो गो तस्करों ने संजय शर्मा के ऊपर हमला किया। आज वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है और मरावा समझ करके उन्होंने छोड़ दिया। और उन आरोपियों ने, गो तस्करों ने जबरदस्ती अल्लाह हु अकबर कहलवाया। मैं कहता हूं गौ माता का अगर खून है, धरती माता का खून है, क्या आपको ऐसा आपके भाई के ऊपर हमला होता है, गो तस्कर उसे मारते हैं, क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? इस कुशालगिरी को आएगा, आपको आएगा। छाती ठोक के कहता हूं, और उस समय मुझे तलवार उठानी पड़े, गो तस्करों का वध करने के लिए गर्दन काटनी पड़े, ये कुशालगिरी उठाएगा तलवार। लेकिन हमारे गोत रक्षक हैं, उन पर हमला बर्दाश्त नहीं है। आज गायों की बात करने वाले कौन है? हिंदू धर्म की बात करने वाले कौन है? अगर किसी को भी तकलीफ होती है मेरी तरक्की से तो आराम से हो, लेकिन मैं जिस दिन वचन देता हूं जीवन में कभी गुस्सा नहीं करूंगा, कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन ऐसे कुछ संत हो या कोई और हो, वो बीड़ा उठाते हैं, आप उनके साथ में ये कर रहे हैं। ओम जी मुंडेल रात दिन एक करके गायों के लिए समर्पित होते हैं और उनके बारे में अनाप शनाप बोल देते हैं। आज एक जना के जूत फटकाया थाना के मायने आज ही, और मैंने वो वीडियो लाइव प्रसारण जारी किया था, और उसमें मैंने बोला था ओम जी मुंडेल का मेरे नाम से आईडी बना करके आप गलत काम कर रहे हैं, मारो नाम कुशालगिरी है। नागिन बदलो छोड़ सके, लेकिन कुशालगिरी बदलो नहीं छोड़िया करे। बेन ध्यानी को नहीं, बॉस को स्वभाव का ही है, उकसा रही है। मैं साफ तौर पर कहता हूं मेरे नाम से अगर इंस्टाग्राम बनाते हैं बनाओ, लेकिन किसी भी व्यक्ति किसी भी संस्था चाहे मैं हूं उसका गलत मत चढ़ो। मैंने अपने इंस्टाग्राम पर जो चाबी छल्ले हैं हमारे पास भी है इंस्टाग्राम। किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत हम नहीं बोलते हैं, हम बड़ी सोच रखते हैं। मारवाड़ी में किया जो अच्छो आदमी हो ना, बहुत अच्छी हरकत करिया करे, लाता का भूत कदई बातों नहीं मनिया करे, और गिवार को गिवार की भाषा में समझाना चाहिए। कुत्ता यानी बकता रही ओम जी के बारे में, मारे बारे में, और मैं कुत्तों की परवाह नहीं करता हूं। मैं कुत्तों की परवाह नहीं करता हूं, और ना आपको कुत्तों की परवाह करना है। युवाओं आपको आगे बढ़ना है, और आप आगे बढ़ेंगे तो कुत्ते भोंकते रहेंगे, उन कुत्तों की परवाह मत करना, आप आगे बढ़ना। बात आती है आज वो हॉस्पिटल के अंदर है, मैं कामधेनु सेना का संस्थापक हूं, एक सेना का संस्थापक होने के नाते मुझे उग्र रूप भी धारण करना पड़ता है। उग्र रूप भगवान श्री राम ने धारण किया रावण के समय, उग्र रूप धारण किया कंस वध के दौरान, उग्र रूप धारण किया भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के समय। भगवान श्री कृष्ण ने सैकड़ों बार उग्र रूप धारण किया, भगवान श्री राम ने दर्जनों बार उग्र रूप धारण किया, उग्र रूप भगवान परशुराम ने धारण किया, किसके लिए? और आज मैंने उग्र रूप कहीं धारण किया है तो हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए, तो मैंने कोई अपने लिए उग्र रूप धारण थोड़ी किया है। आज राजनेता बोलते नहीं हैं, राजनेता हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं, और बात करते तो पार्टी से निकाल देते हैं। एक शेर होता है, जब वह राजनीति के अंदर चला जाता है तो शेर की ताकत उसके जबड़े के अंदर होती है और पंजों के अंदर होती है। शेर के चारों दांत निकाल लो आप और पंजों के नाखून काट लो, आप में से कोई भी ताकतवर युवा उस शेर को गिरा देगा, क्योंकि शेर की ताकत उसके जबड़े के अंदर है और पंजों के अंदर है। इसलिए राजनेताओं के जबड़ों से नाखून निकाल लिए गए हैं, दांत निकाल दिए गए हैं, नाखून जबड़ों से निकाल दिए गए हैं, नाखून पंजों से निकाल दिए गए हैं और दांत जबड़ों से निकाल दिए गए हैं।
और कुशालगिरी के दान निकालने की कोई औकात रखता है, मुझे राजनीति की जरूरत नहीं है। ये शेर ऐसे ही दाड़ता रहेगा, हिंदुत्व के लिए, गाय के लिए, राष्ट्र के लिए। आज अपन नहीं, आज कोई संत बोलने वाला नहीं है हिंदुत्व के लिए, आज राष्ट्र के लिए नहीं बोलने वाला नहीं है कि राम राम करो। मैं तो एक चीज जानता हूं, राम राम भी करना चाहिए, जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में समझाना चाहिए। आज हमारा एक छोटा कट्टर गौरक्षक, एक साथी, एक गौ सैनिक संजय शर्मा हॉस्पिटल के अंदर है। इस पर से हम प्रार्थना करेंगे, कल उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए यज्ञ करेंगे।